बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक कढ़ाई ले ली है हमने। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे 1 कप। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। एक हमने प्याज लिया था मीडियम साइज़ का, प्याज को धो के काट लिया है। प्याज डाल देंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकालेंगे एक प्लेट में। प्याज हमने फ्राई करके निकाल लिया। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 2 टेबलस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह के करम से सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको दुनिया की तमाम खुशियां अता फरमाए, आमीन आमीन। इस दुआ के साथ हम आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारी वीडियो पर नए हैं तो कहीं हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह के करम से सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको दुनिया की तमाम खुशियां अता फरमाए, आमीन आमीन। इस दुआ के साथ हम आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की रेसिपी में हम बनाने लगे हैं चिकन बिरयानी। यह बिरयानी घर के 80 मसालों से तैयार हो जाएगी। चिकन बिरयानी बनाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। लहसुन अदरक को उस वक्त तक भुनेंगे लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए। लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो चुका है। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। 1/2 kg हमने चिकन लिया, चिकन को हमने धो लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साबुत मसाले में जो हमने लिया है तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा और बादियाना फूल, ये हम कढ़ाई में डाल देंगे। 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसमें हम 2 सब्ज़ इलायची भी डाल देंगे। 2 मिनट हमने भून लिया है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। 2 टमाटर लिए थे हमने मीडियम साइज़ के, उनका हमने पेस्ट बना लिया। 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें पाउडर मसाला डालना शुरू करेंगे। 1/2 टेबलस्पून कूटा हुआ खुश्क धनिया, 1/2 टेबलस्पून कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्चें और दही डाल देंगे। 3 हरी मिर्चें थी सब्ज़ और 1/2 कप दही, इन दोनों को हमने ग्राइंड कर लिया था। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें फ्राई की हुई प्याज, आलू बुखारे और 3 हरी मिर्चें डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक हमने देचकी ली है, देचकी में हमने पानी डाल लिया पानी बॉयल करने के लिए। एक हमने देचकी ली है, उसमें हमने पानी डाल लिया चावल बॉयल करने के लिए। अब हम इसमें साबुत मसाला डालेंगे। लौंग, बादियाना फूल, तेज़पत्ता, ज़ीरा, बड़ी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्चें, पानी भी डाल देंगे। 2 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। वन टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून सिरका, 2 सब्ज़ मिर्चें, 2 सब्ज़ इलायची भी डाल देंगे। अब हम पानी को बॉयल होने देंगे। पानी बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल हमने 1/2 किलो लिए हैं और 1/2 घंटे के लिए भिगो के रखे थे। अब हम चावलों को उस वक्त तक पकाएंगे कि चावलों में 1-2 कनी रह जाए। चावल बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसे छान लेंगे स्ट्रेनर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चावल हमने छान लिए हैं। अब हम दम लगाना शुरू करते हैं। कोरमे में अब हम चावल डाल देंगे बॉयल किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसके ऊपर प्याज डाल देंगे गोल्डन ब्राउन की हुई। सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे।
अब हम चंद कतरे कीड़ा ऐसन डाल देंगे, 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, दम लग चुका है बिरयानी को माशाल्लाह से, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा दम लगा है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। चिकन बिरयानी हमने डिश आउट कर ली है, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा दम लगा है। ये बिरयानी घर के मसालों से तैयार हो जाएगी झटपट से, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। यह थी हमारी आज की रेसिपी, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। Thank you.